वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम प्रकृति रिजॉर्ट में ही बालूशाही रेसिपी शेफ से सीखने जा रहे हैं, जो खाजा बालूशाही है। और यहाँ की किचन की खास बात है, वो बिल्कुल बाहर है, ओपन में है, चारों तरफ ग्रीनरी है, शेड है और किनारे पर बाउंड्री है और शेफ की किचन है, यानी कुछ भी धुआं नहीं। वो चीज़ मुझे देख कर बहुत अच्छा लगा। तो आइए शेयर करते हैं आपके साथ, इस होली पर बनाइए ये टेस्टी सी बालूशाही। कभी आपको कोई पूल पार्टी करनी है तो आप आ सकते हैं वहाँ। ये देखिए चारों तरफ ग्रीनरी है, वो सामने समुद्र है, जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं उसके बाद जो ब्लू दिख रहा है वो सारा समुद्र है। इतना शांत एरिया है कि यहाँ पर इसकी आवाज़ जो है पानी की वो आती रहती है। मॉर्निंग का टाइम है, ये लोग मुझे स्वीट के लिए बुला रहे हैं देखने के लिए, तो थैंक यू सो मच। हेलो शेफ, गुड मॉर्निंग। आपका नाम? शिव कुमार गुप्ता। शिव कुमार गुप्ता जी मैडम, आप मिठाई बनाते हैं? जी मैडम। वेरी गुड। तो मैं कुछ देखना, फ्रेश एकदम बना के रोज का रोज खिलाता हूँ। रोज मिठाई फ्रेश होती है? रोज। देखिए डिनर का। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ फ्रेश मिठाई बनती है, आपको किसी भी तरह घबराने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए बिल्कुल सब कुछ नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखा हुआ है। तो शेफ आज जो बनाने वाले हैं वो बन चुकी है मिठाई? नहीं मैडम, अभी तैयारी चालू है। ओ वाओ, तो हम देख सकते हैं वो खाजा बालू सही? बिल्कुल मैडम, आटा लगा दिया है। आटा लगा दिया ओके। ये किस चीज का है? ये हमारा खाजा बालूशाही का आटा है। खाजा बालूशाही। इसमें शेफ आपने क्या क्या लिया है? हमने लिया मैडम, आप अपना सीक्रेट तो बताएंगे नहीं? नहीं बताएंगे मैडम। ओके बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। हमने एक किलो मैदा लिया। ओके। और 400 ग्राम बेकरी घी का घी लिया, लिली बेकरी घी। 400 ग्राम लिली बेकरी घी जी मैडम। ओके। और हमने 400 ग्राम पानी, 400 ग्राम पानी, 400 मिलीलीटर पानी जी मैडम। ठीक है। और उसके लिए हमने 1.5 किलो शुगर लेंगे। 1.5 किलो शुगर जी। ठीक। फ्राई करेंगे। अच्छा, तो वो तो आप शुरू करेंगे, पहले आटा लगा लिया आपने पानी डाल के। और ये कितनी देर रखा है आटा आपने? हमने इसको 20 मिनट 20 मिनट रखा है जी मैडम। ठीक है ठीक है सर, शुरू कीजिए आप। 1 मिनट। हाँ शेफ बताइए जी। हाँ हाँ कोई बात नहीं। शेफ जो है गोली बना रहे हैं, जिसको हम लोइयां तोड़ना कहते हैं, लोई तोड़ रहे हैं। ये इसमें शेफ डाल रहे हैं घी। शेफ आपका नाम क्या है? संतोष कुमार। वाह बहुत अच्छा। ये देखिए शेफ ने थोड़ी सी जो गोली है वो तोड़ ली है और इनको ये इस तरीके से कर रहे हैं। अभी आपको करके बताते हैं। ऐसे गोल करेंगे पहले हाथ से और फिर अंगूठे से दबाएंगे हल्का सा और इस टाइप से रख देंगे। इस टाइप से ये बनती है, देखिए क्लोजअप में दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे शेफ हमारे लिए केवल अभी 5-6 बना रहे हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए ये तैयार होती हैं। लंच के लिए, सॉरी, आज लंच के लिए तैयार हो रही हैं ये। तो अभी इनके पास टाइम है बनाने के लिए, यानी देखिए 8:30 हो गया है और अब ये बना रहे हैं लंच के लिए, यानी फ्रेश मिठाई। तो जो आजकल हमें लगता है कि सब कुछ फ्रेश हो, तो वो यहाँ इस रिजॉर्ट में है। ये देखिए कितने अच्छे से इन्होंने ये बना ली हैं। ये बना रहे हैं ये चाशनी, ये अपने हिसाब से बना रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं, बट आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एक मेथड में बता रही हूँ कि ये किस तरीके से बनाते हैं। हो रही। सर एक साथ बना, इधर टाइम है ना, फ्राई करेंगे।
ये देखिए करीब 3 किलो चीनी है, 2 लीटर पानी है और उसका ये चाशनी बना रहे हैं। कितने तार की चाशनी बनती है शेफ? एक तार की चाशनी ना, ठीक है। ये देखिए ये शेफ ने कितनी अच्छी ये बनाकर रख ली हैं। और इसमें शेफ सोडा वगैरह डालते हैं कुछ? नहीं डालते, बिल्कुल नहीं डालते। और बहुत अच्छा, देखिए अब हम इनको करने जा रहे हैं फ्राई। इसको झारी के ऊपर ही पड़ा रहने देंगे अभी? अच्छा, ऊपर आने के बाद झारों को बाहर निकालें। अच्छा, नीचे बैठना नहीं चाहिए, ओके, तब आप झारा। तो अगर घर में हम कर रहे हैं तो ऐसे छोटी झारी रख सकते हैं नीचे? घर में अगर कर रहे हैं तो छोटी झारी रखें, छोटी झारी रख सकते हैं। हाँ हाँ, तो डायरेक्ट नीचे कढ़ाई में जलेगी नहीं वो? जलेगी नहीं। वेरी गुड, ये टिप है। गैस को बिल्कुल धीमा कर दिया है, भट्टी को बिल्कुल। जी सर, देखिए बिल्कुल धीमी गैस पे ये बन रहा है। मैं आपको बर्नर नीचे से दिखाऊं, बिल्कुल धीमी, सबसे लो स्लो लो फ्लेम कर रखी है और ये बहुत धीरे धीरे पक रही है ताकि अंदर से जो है कच्ची ना रहे। नीचे नहीं बैठ रही हैं, धीरे धीरे उधर से ये साइड में कढ़ाई में, देखिए आप तैरते हुए अपने आप कढ़ाई के साइड में आ रहे हैं। कितनी अच्छी टिप है बनाने के लिए। ये देखिए शेफ ने इनको एक बार भी हिलाया नहीं है और ये अपने आप कढ़ाई में फैलती जा रही हैं। देखिए एक ही जगह थी जब हमने देखा और ये अपने आप धीरे धीरे नीचे से सिकने के बाद घी में चारों तरफ फैल गई हैं। ये इधर चाशनी का मैल उतार रहे हैं ताकि चाशनी जो है वो क्लियर हो जाए। ये जो झाग ऊपर आते हैं गैस को सिम कर दें और फिर उनको ऐसे निकाल लें, इससे चाशनी जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है। ये देखिए अब शेफ ने झारा निकाला है। जब ये सारी अपने आप इधर उधर हो गई हैं या 2-3 अपना रह गई थी और ये धीरे धीरे शेफ इनको फैला रहे हैं और इनको चलाना बिल्कुल नहीं है। ये देखिए शेफ इनको पलट रहे हैं, एक एक को ऐसे पलटना है। एक तरफ से सिक गई हैं, बहुत मेहनत का काम है ये, बहुत अच्छे से प्यार से ये लोग बना रहे हैं और प्यार से बना हुआ खाना बहुत टेस्टी होता है। जो मैंने यहाँ महसूस किया है, सारे शेफ बहुत मेहनती हैं, पूरा स्टाफ डेडिकेटेड है। सुगंध आने के लिए गुलाब जल, ओके, गुलाब जल डाल रहे हैं, खुशबू आए ताकि इसमें केवड़ा, गुलाब जल कुछ भी डाल सकते हैं। अब हमें शेफ दिखाएंगे कि चाशनी को कैसे पता किया जाए कि वो तैयार हो गई है। एक तार की चाशनी तैयार। ओके, गुड। ये हमारी चाशनी तैयार है, गैस को ऑफ कर दिया है और अब हम ये इनके सिकने की इंतजार कर रहे हैं और शेफ कह रहे हैं कि अभी भी इसमें 15 से 20 मिनट लगेगा ताकि ये अंदर से बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। ये देखिए बालूशाही जो है कलर बदल चुकी है, सिकनी शुरू हो गई है और बहुत स्लो गैस पे है, बहुत स्लो गैस पे बना रहे हैं शेफ। ये देखिए कितना परफेक्ट कलर है, देखिए वाओ, बिल्कुल स्लो पर बिल्कुल आराम से बना रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, बहुत अच्छे से। और अब बस ये सिकने वाली है, जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगी हम इनको निकाल लेंगे। इस स्टेज पर भी ये पलट रहे हैं, इनको उलट पलट के सेकना है और ये नहीं है डायरेक्ट ऐसे झाड़ी से पलट दिया, वो टूटने का डर रहता है। सॉफ्ट और क्रिस्पी, बहुत ही बढ़िया, पूरी मेहनत के साथ। ये देखिए शेफ ने गैस को तेज कर दिया है। शेफ आपने अभी गैस को तेज किया है? जो हाँ, वो के लिए अच्छा, ऑयल नहीं पिएगा,
और ये नहीं पिएगा, ऑयल छोड़ देगा। अगर ये तेज लास्ट में जब तेज गैस करके आप निकालेंगे तो ये ऑयल नहीं पिएगा बल्कि छोड़ देगा। वेरी गुड, ओके, एकदम ड्राई मिलेगी। शेफ कह रहे हैं ये एकदम ड्राई मिलेगी, ड्राई बालूशाही। ठीक है, ये देखिए चाशनी रखे रखे बढ़िया बन गई है, तैयार हो गई है। लगातार चलाते हुए सीख रहे हैं शेफ। तो ये देखिए रेडी हो गई है और शेफ इनको निकालने जा रहे हैं और ये डालेंगे स्टील की छलनी में ताकि जो नीचे बाउल रखा है उसके अंदर ये ऑयल, एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल जैसे मछलियाँ सेकते वक्त आती है। शेफ मुझे पास से दिखा दीजिए। थैंक यू सो मच शेफ। देखिए बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, ये देखिए बिल्कुल भी ऑयल नहीं है और बहुत खस्ता ये बनी है। शेफ एक तोड़ के दिखाएंगे। ओ वाओ, गरम गरम शेफ बहुत बढ़िया शेफ, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, वाओ शेफ, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने सिखाया मुझे। अब आप बताइए कैसे चाशनी में डालना है। हाँ जी, ये देखिए इसमें एक्सेस ऑयल जो है वो निकल रहा है पूरा। शेफ कहते हैं 2-3 मिनट तक ऐसे आप निकाल लीजिए एक्सेस ऑयल और फिर हम डाल रहे हैं इनको चाशनी में। वाह, मैंने पहली बार इतने अच्छे से किसी रेस्टोरेंट में इस तरह बनाते हुए मिठाई देखा है और आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं। ये देखिए शेफ इसको कितनी देर हमें चाशनी में डूबे रहने देना है। 7 से 8 मिनट और उसके बाद फिर निकाल लेंगे। तो 7 से 8 मिनट हम डूबे रहने देंगे इनको और फिर शेफ करेंगे इनकी प्लेटिंग और हम देखेंगे फिर। ये देखिए 7-8 मिनट हमें हो गई हैं और शेफ इस तरह से इनकी चाशनी निकाल रहे हैं और ये इनको ट्रे में ऐसे डाल देंगे। शेफ इसमें आपने कोई कलर वगैरह डाला है? कोई कलर नहीं है ना, देखिए ऑरेंज कलर डाल देते हैं, ये डाल दे, कोई कलर नहीं है, बिल्कुल नेचुरल, बहुत अच्छी बनी है। ये देखिए थाली में लग गया है। अब शेफ गार्निश कर रहे हैं इसको ड्राई फ्रूट से, ये इन्होंने देखिए काट के रखे हैं बादाम, पिस्ता और कितने सुंदर से ये इसमें लगाते जा रहे हैं। और ये बाजार से भी बढ़िया मिठाई जो है बनकर तैयार है। आपको आइडिया मिल गया है, आप थोड़े से मटेरियल से ट्राई करके देखिएगा। मेन खाना जब बनाना होता है उसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, धैर्य की ज़रूरत होती है, अच्छे से आप उसको सेकिए, प्यार से बनाइए तो वो चीज़ बहुत टेस्टी बनती है। देखिए बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच शेफ, आपने हमें इतनी अच्छे से बताया, थैंक यू सो मच। एक मिनट में आपकी पिक्चर क्लिक करूंगी, आप ऐसे करें, आप एक बार मास्क निकाल दीजिए, अब थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। थैंक यू सो मच शेफ, बहुत बढ़िया, वेलकम, धन्यवाद।